नमस्कार, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 आव्यूह का शेष भाग करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का शेष भाग करते हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 6 तक कर चुके थे, तो हम उसके आगे प्रश्न नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 ठीक ना, प्रश्नावली 3.1 का है। तो प्रश्न नंबर 7 में है, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो बराबर आव्यूह दिया हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, लिखा ए माइनस बी, 2a-b, 2a+c, 3c+d। और ये अगला व्यू में है, -1, 5, 0, 13 ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं, लिख लेते हैं, चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे ठीक ना। तो ये a माइनस बी इस -1 के बराबर, तो लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1। इसी प्रकार इसको लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं 2a-b बराबर 0, फिर 2a+c बराबर 5, समीकरण 3। इसी प्रकार 3c+d बराबर 13, तो ये हो गया समीकरण 4। अब इन चारों समीकरण से a b c d का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस समीकरण 2 से हल करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से, तो 2 से b बराबर 2a आ जाएगा ठीक ना। तो b बराबर 2a, तो क्या करेंगे b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे b बराबर 2a समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा, a, देखिए b के स्थान पर 2a रखते हैं, तो b के स्थान पर 2a रख दिया बराबर -1 ठीक ना। तो एक ये एक a में से 2a जाएगा तो -a आएगा बराबर -a, ये a माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a का मान 1 आ गया। a का मान समीकरण 5 में रख देंगे, तो लिखते हैं a बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, तो ये आ जाएगा b बराबर 2 × 1 मतलब b बराबर 2। तो a और b का मान आ गया। अब a का मान यहाँ रख देंगे तो c का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं तो 2 × 1+c बराबर 5, तो 2+c बराबर 5, तो c बराबर 5-2, तो c का मान 3 आ गया। इसी प्रकार c का मान यहाँ रख देंगे तो d का मान आ जाएगा, तो लिखते हैं c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, तो रखते हैं यह है 3, तो 3 × 3+d बराबर 13, तो 9+d बराबर 13, तो d बराबर आ गया 13-9, तो ये 4 आ गया ठीक ना। तो a b c का मान एक जगह लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अतः a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3 और d बराबर 4 ठीक ना, ये अपना अभिष्ट उत्तर हो गया ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में एक आव्यूह दिया हुआ है इस प्रकार, ए आई जे m × n,
एक एक बोल रहा है कि यह एक वर्ग आव्यूह होगा कब, तो कई विकल्प दे रखा है इसमें, तो देखते हैं। पहला विकल्प दिया है ए छोटा है यम से, बी दिया है यम बड़ा हो एन से, सी यम बराबर एन, और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखिए कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तब होता है जब इसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। जैसे जैसे अगर ये आव्यूह देख लेते हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ एक, ठीक ना। तो इसमें एक दो तीन, तीन है पंक्ति है और एक दो तीन, तीन स्तंभ हैं, इस प्रकार ये वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए क्या हुआ, यम गुणे यन था ये, मतलब यम बराबर एन, ठीक ना, यम बराबर एन होना चाहिए। अगर इसी तरह दो गुणे दो कोटि का एक आव्यूह लिख लेते हैं, दो तीन चार पाँच, देखिए इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब ये दो गुणे दो है, मतलब यम बराबर एन है, ठीक ना। इसको यम गुणे एन लिखते हैं, तो इसमें दो गुणे दो है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो यम बराबर एन। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, इस प्रकार सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, इसमें लिखा है यक्स और वाई के किस मान के लिए दिए गए दो आव्यूह बराबर हैं। तो देखते हैं इसमें यक्स और वाई का मान, देखिए क्या आता है इसका, 3x प्लस 7 5 वाई प्लस 1 2 माइनस 3x, और इसमें देखिए दोनों आव्यूह को बराबर के बोला है, तो 0 8 वाई माइनस 2 4, ठीक ना। अब इसका हटा दें इसको, तो बोलता है दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो यक्स और वाई का किस मान के लिए आव्यूह बराबर हैं, ठीक ना। तो हम इसमें यक्स और वाई का मान ज्ञात करके बता देते हैं, 3x प्लस 7 5 वाई माइनस 2 माइनस 3x वाई 8 वाई माइनस 2 4। तो चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं, ठीक ना, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक ना। हम मान लिए दो अवयव बराबर हैं, तो इनके संगत संगत अवयव बराबर हों, ताकि हम इससे x और y का मान ज्ञात कर लें। तो x और y का मान इसे ज्ञात करेंगे, ये चीज इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x प्लस 7 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 5 और y प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर 4। तो इससे मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इससे जगह x का मान कितना हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो माइनस 7, ये और फिर ये आ गया माइनस 7 बटे 3। अब देखिए इससे y बराबर ये पक्षांतर हो जाएगा 5 प्लस 2, तो 5 2 7, इससे आ जाएगा y बराबर 8 माइनस 1 बराबर 7, और इससे आ जाएगा माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2, 3x 2, तो ये आएगा x बराबर 2 बटे 3, ठीक ना। देखिए इससे हमने जब तुलना किया तो माइनस 7 बटे 3 आया, और ये इस वाले समीकरण को हल किया तो माइनस 2x 3x बराबर 4, तो 2 पक्षांतर गया 2 और ये 3। देखिए x y का मान तो 7 आया, ठीक है, मगर x का 2 मान आया, ठीक ना, 2 अलग अलग मान आया, तो x के किसी y के किसी एक मान के लिए x का 2 मान संभव ही नहीं है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा विकल्प हो गया, तो इसमें लिखा है बी वाला, ठीक ना, कि हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, तो इस वाले में b वाला विकल्प हो गया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अंतिम सवाल है, तो इस वाले को देखिए अच्छा है।
इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, देखिए 3 × 3 कोटि की सभी संभव आवयों को ज्ञात करना है, मतलब 3 × 3 कोटि दिया है और उसके कितने अवयव हो सकते हैं, जब इनमें इन प्रत्येक अवयवों को 0 और 1 रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे एक रहा, ये कोटि कितनी दिया है, 3 × 3, तो इसका इतना तो पता चल गया कि अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, 3 × 3 = 9, मतलब 9, ये 3 × 3 है तो 3 × 3 मतलब ये वर्ग अवयव है। देखिए हम एक बार बना के बता देते हैं, ये लिखा A11, A12, A13, इसी प्रकार A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। इस प्रकार हमको देखिए कुल 9 अवयव हैं। अब बोल रहा है कि इन नौ अवयव हैं, मतलब इसके 9 स्थान हैं, ठीक ना, 9 स्थानों पर 9 अवयव आएंगे। तो अब इनमें भी इसके आगे बोला है कि इन अवयवों को हम या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। इस प्रकार हमको पूरे सभी संभव अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक ना। एक बार 0 रख के बना लेंगे, फिर यहाँ पे 1 रख के सब बना लेंगे, तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा, तो इसमें कुल कितने अवयव प्राप्त होंगे वो पता करना है। तो देखिए हम इसको बताते हैं, इसको ऐसे देखिए ये 9 स्थान है, तो 9 स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना, ये 9 स्थान बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना, 9 स्थान पर ये हो गया। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक स्थान पर, ठीक ना, प्रत्येक या तो स्थान या अवयव को बोलिए 0 या 1 रख सकते हैं, ठीक ना। तो मतलब प्रत्येक स्थान को आप 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी 2 भर सकते हैं, 2 मतलब 0 1 0 1 भर सकते हैं, तो 2 चांस है इसको कि 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस प्रकार ये 9 बार लिखा जाएगा, ठीक ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब ये 2 की घात 9 है, तो 2 की घात 9 का जो भी आंसर आएगा वही विकल्प हो जाएगा। तो इसमें लिखा है 512, 2 की घात 9 को का हल करने पर 512 आता है, और ये वाला विकल्प में दिया है डी में, ठीक ना, तो इसका विकल्प डी हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।